हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है चढ़ाई में, और मैं जा रही हूँ नैना माँ के मंदिर में, जो ऊपर है हमारी माता रानी का मंदिर। तो घर से मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में, तो ये रह गए हमारे घर नीचे और मैं आ गई हूँ ऊपर पहाड़ी में। यहाँ पे अभी लोगों की घास नहीं आया और घास से भरी है। देखिए कितना घास है अभी काटने को यहाँ पे। ये है हमारे घर नीचे। अब हमारे गांव जैसा लगता है, एक काउ शेड और भी हो गई बीच में। और ये है हमारे पहाड़ों का व्यू। अभी सुबह के 10 बजे हैं। ये बाड़ी धार है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी ऊपर, जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो अब मिलते हैं आपके साथ ऊपर ही। और ये है रास्ता यहाँ से चलने का। यहाँ से घास वाले भी जाते हैं घास लेकर के। ऐसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में। तो मैं पहुँच गई हूँ आधे रास्ते में, और देखिए यहाँ पे घास कितनी बड़ी बड़ी है। अभी तकरीबन सभी की घास नहीं काटने को है, क्योंकि रास्ते में घास होता है और फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है, और घास को नहीं आ सकते। इसलिए जैसे जैसे घास नियाँ खाली हो जाती है, वैसे वैसे फिर घास काटना शुरू करते हैं। तो अभी सारी घास नियाँ यहाँ पे घास से भरी है। हमारी घास नहीं भी है यहाँ पे नीचे जैसे, पर तभी आया जाना वहाँ पे, तो जब यहाँ पे रास्ते खाली होंगे घास से। तो मैं अभी आधे रास्ते में पहुँची हूँ और यहाँ से अपने पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे काट रखा है घास। तो यहाँ से माता रानी का मंदिर नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ से आई। नहीं तो जहाँ से कल्पना और प्रिंस स्कूल को जाते हैं वहाँ से है रास्ता, पर वहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ से ही आई कि नज़दीक रहेगा और घर में जाके अभी काम करना है। तो ये है यहाँ पे माता रानी का मंदिर, और मैं पहुँच गई हूँ माँ के मंदिर में। बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे और शांत वातावरण है। तो आज मेरे साथ बच्चे नहीं आए, नहीं तो बच्चे आ जाते थे तो वीडियो बनाने के लिए अच्छा रहता। यहाँ पे पानी का नलका है। ये है माँ का मंदिर। जय हो माता रानी। तो ये है हमारी माता रानी, और आप भी कर लीजिए नैना माँ के दर्शन। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, और जैसे हमारी नई फसल आती है मक्की की, तो ये मक्की की रोटी बनाई थी और ये थी खिचड़ी माँ की। वैसे तो बालड़ियों की बनाते थे जो हमारे पहाड़ी राजमा होते हैं, पर इस बारी
मतलब पूजा करने लायक भी नहीं हुए। तो ये है हमारी माता रानी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ सदा सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे और सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो और ये जग जननी है, सभी की रक्षा करती है और जब भी पुकारे तब सहाय होती है। तो यहाँ से ही मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, माता रानी के मंदिर से। तो पूजा मैंने कर ली यहाँ पे और अब नवेद ले लेती हूँ मैं भी। तो जय ये है हो हमारे माता घर रानी। नीचे। और ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और प्लेन जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे माता रानी की। ऐसे स्थानों में निवास करते हैं देवी देवता, शांत जगह पे और सुंदर जगह पे। ये देखिए यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ घर के लिए, और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करना और सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना। तो अब चलते हैं घर के लिए। घर में जाके भी कुछ देखते हैं हम काम धंधा। ये देखिए, और इस साइड है मेरा मायका, ऊपर वाली पहाड़ी में जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ठंड है बहुत ज्यादा। तो जब मैं माँ के मंदिर से आई थी उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज्यादा काम था। मैंने कपड़े धोए और पशुओं का काम किया, घास लाया। तो अब बैठे हैं चूल्हे के पास और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कौन कौन बैठे हैं। तो ये यहाँ पे कौन है, आप सबको मेरी ओर से नमस्ते। मीनाक्षी और मैं बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे। ये जली है चूल्हे में आग, कितनी अच्छी लगती है आजकल आग। और गर्मियों के दिनों में बिल्कुल भी मन नहीं करता चूल्हे के पास बैठने का, और आजकल तो सुबह से शाम हो जाए चूल्हे के ही पास, चूल्हे के पास ही, और शाम से सुबह हो जाए। ठंड के दिनों में कोई पता नहीं लगता कब जैसे शाम हो गई, कब जैसे सुबह हो गई। ऐसा मन करता है कि दिन रात चूल्हे के पास ही बैठे रहें। तो यहाँ पे गायों का तलिया है और पीछे रखा है दूध, और ये लकड़ियाँ है। तो अब वीडियो का भी कर लेते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में।